गेस्ट के सामने ही आखिर क्यों भिड़ पड़े जय भानुशाली और उमर रियाज, क्या है पूरा मुद्दा, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फूज। वीकेंड का वार है और वीकेंड के बारे में हम सब जानते हैं कि कोई ना कोई गेस्ट आते हैं अपने फिल्म को प्रमोट करने के लिए या फिर सॉन्ग को प्रमोट करने के लिए। तो उसी तरीके से नाया मल्होत्रा, भाग्यश्री और अभिमन्यु दसानी आए थे फिल्म मीनाक्षी सुंदरेश्वर को प्रमोट करने के लिए। और वो घर के अंदर जाते हैं, सनाया मल्होत्रा और अभिमन्यु घर के अंदर जाते हैं और वो घर के अंदर एक टास्क खेलते हैं कंटेस्टेंट्स के साथ, जहां पर वो बोलते हैं कि आप किस कंटेस्टेंट से 6,000 गज की दूरी मेंटेन रखना चाहेंगे। तो सभी एक एक करके आते हैं, बताते हैं कि मैं इससे दूरी बनाना चाहूंगा इस वजह से उस वजह से। फिर जय भानुशाली आते हैं, जय भानुशाली उमर रियाज का नाम लेते हैं, कहते हैं कि मैं उमर रियाज से दूरी बना के रखना चाहूंगा क्योंकि जो उन्होंने ये टारगेट किया था टीवी वाले डेली सोप वाले और सिम्बा और उनकी लड़ाई में उन्होंने सारे टीवी एक्टर्स को टारगेट किया था, जो कि ये बहुत गलत है। किसी ने स्टैंड नहीं लिया, मैंने स्टैंड लिया था, तो कहीं ना कहीं मुझे ये गलत लगा उमर रियाज का ये कहना। तो उमर भी कहते हैं कि मुझे भी बोला गया था कि तू भी डॉक्टर है, टीवी में आया है, ये सारी चीजें, और मैंने उस वे में नहीं बोला था, मेरा वैसा इंटेंशन नहीं था टीवी वाला, ये सारी चीजें। वो अपने तरीके से उमर अपनी बात रखते हैं और सभी घर वाले कहीं ना कहीं जय को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। तो और उमर भी अपनी बात रखते हैं, तो दोनों के बीच में बहुत बहस होती है, बहुत बातें होती है, ये सारी चीजें। तब जय को एक पॉइंट याद आता है, जय कहते हैं कि क्योंकि उमर रियाज ये कहते हैं कि तुमको मेरा डेली सोप बोलना बहुत बड़ा मुद्दा लग रहा है, लेकिन सिम्बा का मुझे पानी में धक्का दे देना ये तुमको बड़ा मुद्दा नहीं लग रहा है, इस पे तुम स्टैंड नहीं लोगे, तुम्हारा स्टैंड इस पे है कि मैंने डेली सोप बोला, इस पे तुम स्टैंड ले रहे हो, जबकि ये कुछ इतना नहीं है, लेकिन तुम इस पे नहीं ले रहे हो। तो फिर जय भानुशाली थोड़ा याद करके तब बोलते हैं कि अगर तुम्हें इतना ही था तो तुम जब पानी में तुम्हें गिराया गया तो तुम तुरंत उठ बाहर आके तुम बोलते हैं ना कि मुझे क्यों धक्का मारा, तुम तुरंत मुद्दा बनाते, लेकिन नहीं, तुम पहले बाहर निकलते हो और सिम्बा को बोलते हो कि सॉरी मैंने गाली नहीं दिया ये बोलते, फिर 5 मिनट बाद तुमको लगता है कुछ नहीं, तुम फिर उस धक्का मारने का तुम मुद्दा बनाते हो। तो उस पर फिर उमर रियाज कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मैं पहले बाहर निकलता हूँ और मैं उनको बताने की कोशिश करता हूँ कि मैंने गाली नहीं दी, आपको गलतफहमी हुई है, सारी चीजें वो गलतफहमी हुई, तो अगर वो उस चीज का मुद्दा बना रहे जो मैंने किया ही नहीं है, तो फिर जो उसने किया मैं उस चीज का मुद्दा बना सकता हूँ क्योंकि वो है जो दिख रहा है सबको। तो इसी बीच में दोनों के बीच बहुत बहसबाजी होती है और सभी आकर जय को समझाते हैं कि गलत है ये सारी चीजें वो बोलते हैं। तो अब देखते हैं कि सलमान खान किस तरीके से किस को सपोर्ट करते हैं या किसको बैश करते हैं, सिम्बा को या फिर उमर रियाज को, किस तरीके से या फिर जय भानुशाली को भी बताएंगे कि जिस तरीके से उन्होंने ये सारी चीजें की, जो उन्होंने डेली सोप को लेकर एक स्टैंड लिया ना कि धक्का मारने को लेके, अब ये इस पर सलमान खान फैसला करेंगे। क्योंकि हमने देखा था पिछले सीजन में जिस तरीके से अर्शी खान को जब पानी में पूल में धक्का दिया था विकास गुप्ता ने, तो उन्हें तुरंत घर से निकाल दिया गया था, लेकिन इस बार कोई एक्शन नहीं लिया गया है। क्या एक्शन ले सकते हैं? हम सब जानते हैं कि आज के दिन मायशा आई है जो कि घर से बेघर हो चुकी हैं, तो क्या कहने का ये कहा जा रहा है कि मे बी डबल एविक्शन हो सकते हैं, क्या सिम्बा को निकाल सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी गलती के लिए एज अ पनिशमेंट उनको निकाला जाएगा, ये तो भाई आने वाला वीकेंड का वार ही बताएगा। लेकिन आप सभी को क्या लगता है जय का जिस तरीके से डेली सोप बोलने पर ये एक स्टैंड लेना ये उनका सही है, या फिर उमर रियाज को पुल में गिराना और उस पर स्टैंड ना लेना ये सही है? जो भी आपको लगता है आप सबकी राय में जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और देखते रहे फीफा फूज इसी तरीके की अपडेट्स के लिए।